वर्गनवम के लिए प्रश्नमान किस प्रकार करें, उस पर इससे पहले कक्षा में विचार प्रकाश डाले थे और उसके आगे बढ़ते हुए प्रश्न निर्माण के लिए जैसे विद्या विनियम ददाती, विद्या विनय देती है, अगर यहां विद्या अंडरलाइन है तो विद्या स्थलिंग है, अंडरलाइन है विद्या स्थलिंग है, जब स्थलिंग है तो का विनियम है तो कम, का कम ददाति, कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रमस्ति, अगर कुक्कुर अंडरलाइन है तो कह, मानुषाणाम अंडरलाइन है तो केशम, मित्रम अंडरलाइन है तो किम, कह केशम किम, किम के हिसाब से पुल्लिंग रूप है इसलिए कह, खष्ठी का बहुवचन इसलिए केशम, मित्रम किम। नंबर थ्री है ग्रामे निर्धना वृद्धा अवसत, गांव में निर्धन बुढ़िया रहती थी, अगर ये ग्रामे अंडरलाइन है तो कुत्र, निर्धना है तो कीदृशी, वृद्धा है तो का, तो किम शब्द रूप कुत्र शब्द अव्यय या कीदृश शब्द रूप के द्वारा हम इसे पूरा कर सकते हैं, हम इसे बना सकते हैं। जैसे मनः चंचलम भवति, मन चंचल होता है, यहां पर मनः नपुंसक लिंग है इसलिए चंचलम नपुंसक लिंग है, तो मन का प्रश्नमान क्या होगा, किम, चंचलम का कीदृशम, मन का किम, चंचलम का कीदृशम, भवती होता है, मन चंचल होता है, मनसः निग्रहम कठिनम भवती, मन को निग्रह करना, मन को बस में करना कठिन होता है, अगर मनसा अंडरलाइन है तो कस्य, कठिनम है तो कीदृशम, कठिनम है तो कीदृशम, दुर्जनस्य विद्या विवादाय भवति, दुर्जन की विद्या विवाद के लिए होती है, अगर दुर्जनस्य अंडरलाइन है तो कस्य, विद्या है तो का, विवादाय है तो कस्मे, दुर्जनस्य खष्टी व्यक्ति है कस्य, विद्या है तो का, विवादाय तो कस्मे। उसके आगे चले बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रे पादकंदुकेन क्रीडंती, अगर इतना बड़ा सेंटेंस है, लड़के खेल के मैदान में गेंद खेलते हैं, अगर बालका अंडरलाइन है तो के, क्योंकि बालका है बालको बालका, कह को के, क्रीड़ा क्षेत्रे है तो कुत्र, पादुकंदुकेन है तो केन, के कुत्र केन क्रीडंती। जैसे उसके आगे बढ़े नंबर एट में श्वश्रु कटुवचन विमलाम, तुम्हारे पाठ का है अधिक्षिपति आक्षिपति, ससुर अपने कटु वचन से विमला पर आक्षेप करते हैं, अगर श्वश्रु है
तो का कठु बचने है तो कह, बिमलाम है तो काम। इस प्रकार प्रश्न निर्माण हम कर सकते हैं।